यहां चीज चाहिए तो सिर्फ एक पावर। बीते साल में पूरे देश का दिमाग झन्ना देने वाली जबरदस्त एक्शन वेब सीरीज मिर्जापुर एक बार फिर से सबको हिला देने के लिए तैयार है। इस सीरीज के पहले सीजन को धमाकेदार प्रदर्शन और दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन इसके सस्पेंसफुल और काफी इमोशनल सीन सभी के मन में अगले सीजन को लेकर उत्सुकता बनाई हुई है। तो अब दर्शकों का यह लंबा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सीरीज के अगले सीजन का टीजर रिलीज कर दिया गया है। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर के पहले सीजन के प्रीमियर के 2 महीने के अंदर ही अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस सीरीज के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी है। सी बात है कि यह सीजन पिछले सीजन से भी ज्यादा धमाकेदार और एक्शन से भरपूर होने वाला है, क्योंकि इस बार गुड्डू पंडित यानी अली फजल और कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। कहना गलत नहीं होगा कि मिर्जापुर का पूरा बैंड बजने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है, मिर्जापुर सीजन 2 जल्द आ रहा है, बजेगा पूरा बैंड। इस वेब सीरीज के नए सीजन की कहानी के बारे में बात करें तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि गुड्डू पंडित बदले की आग में जल रहा है, इसलिए वह सीधे बाहुबली कालीन भैया से जंग का ऐलान करने जा रहा है। बता दें कि मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया का रोल जमकर हिट हुआ था। गौरतलब है कि पिछले सीजन के अंत में कई एक्टर मारे जा चुके हैं, जिनमें से जौनपुर के बाहुबली रतिशंकर, बबलू पंडित, स्वीटी गुप्ता, कंपाउंडर समेत कई अन्य हैं। तो अगले सीजन में हमें कई नए नए एक्टर्स भी नजर आ सकते हैं। देखना यह होगा कि इस बार मिर्जापुर में कालीन भैया की दहशत कायम रहती है या गुड्डू पंडित का खौफ अपना सिक्का जमाता है। सिर्फ सैक्रेड गेम ही ऐसी वेब सीरीज नहीं जिसके दूसरे पार्ट का दर्शकों का इंतजार है। मिर्जापुर के पहले पार्ट ने भी इतना सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अगले पार्ट में क्या होगा ये जानने की जिज्ञासा सबकी है। मिर्जापुर की कहानी इसके किरदारों को ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से उनका आगे का रास्ता क्या होगा कोई नहीं बता सकता। ये कहानी कई कहानियों में बढ़ती जा रही है, हर कोई अपना वर्चस्व को कायम करने के लिए अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अगर हम आपको बताएं सीजन 2 में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिसपे कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है। अगर पहली संभावना की बात की जाए तो गुड्डू ले सकता है बदला। मिर्जापुर के पहले पार्ट में मुन्ना त्रिपाठी गुड्डू और बबलू के खिलाफ साजिश रचता है। कालीन भैया पर हुए हमले का आरोप गुड्डू और बबलू के सिर आ जाता है। कालीन भैया मुन्ना को गुड्डू बबलू के सफाई के लिए गोरखपुर भेजते हैं। यहां मुठभेड़ में बबलू पंडित स्वीटी की जान चली जाती है। गुड्डू भी जख्मी है, लेकिन वो अपनी बहन डिम्पी और गजगामनी के साथ बच निकलता है। ऐसे यह संभव नहीं कि अपना भाई और प्रेमिका को खोने वाला खूंखार अपराधी मुन्ना कालीन भैया से बिना बदला लिए रह सके। दूसरी संभावना यह है, क्या यादव जी से निबट पाएंगे मुन्ना? मिर्जापुर में अब कालीन भैया का एक छत्र राज है, इसलिए मुन्ना त्रिपाठी के पास यादव जी से होली के दिन मारे थप्पड़ का बदला लेने का एक अच्छा मौका होगा। इस थप्पड़ के बाद कालीन भैया भी यादव के खिलाफ खड़े हो गए थे। तीसरी संभावना यह है कि एसपी मौर्य का क्या होगा? एसपी मौर्य के किरदार को भी आगे जारी रखा जा सकता है। मिर्जापुर के सीजन 2 में रति के बाद 3 बड़े मोर्चे बनते दिखाई दे रहे हैं, एक कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी का, दूसरा रति के बेटे शरद शुक्ला का और तीसरा गुड्डू पंडित। अब मिर्जापुर का असली बादशाह बनने की लड़ाई त्रिकोणी हो गई है। रति शुक्ला भले ही कालीन भैया के रास्ते से अलग हो गया हो, लेकिन उसका बेटा शरद अभी आखिरी दांव के लिए जिंदा है। दूसरी ओर कालीन और मुन्ना से बदला लेने के लिए गुड्डू और शरद एक हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस वेब सीरीज का दूसरा पार्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।